माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी की दिक्कतों में और भी इजाफा हो गया है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार के साथ अफजाल को भी सजा सुना दी, जिसकी वजह से अब अफजाल की सांसदी जाना तय है और मुमकिन है कि आने वाले कल यानी 30 अप्रैल के रोज वो सांसद की कुर्सी पर ना रहे। जहां एक तरफ अंसारी परिवार के माथे पर परेशानी की सिलवटें पड़ गईं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। मुख्तार अंसारी के बाद आखिरकार उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी को भी गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार दिया गया। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। सजा का ऐलान होते ही अफजाल अंसारी को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। आपको बता दें कि अफजाल को सजा सुनाने के कुछ घंटे पहले गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को भी सजा सुनाई गई थी। मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई, तो वहीं 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। दरअसल गैंगस्टर एक्ट का ये मामला करंडा थाना और मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज आपराधिक मुकदमों से बनाए गए गैंग चार्ट पर आधारित है। मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई में जुड़ा रहा, जबकि अफजाल खुद कोर्ट में पेश हुए। काबिले गौर है कि यूपी के बहुचर्चित कृष्णा नंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंद किशोर रुंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। साल 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी और उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक को आरोपी बनाया गया। फिलहाल एजाजुल इस दुनिया में नहीं है। इस मामले में 1 अप्रैल को ही सुनवाई पूरी हो गई थी, जिसका फैसला आज यानी 29 अप्रैल को आया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 2012 में एक गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था और आखिरकार मुख्तार और उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी को सजा सुना दी गई। यह खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू और शकील अब्बास खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।